गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, राम राम, कैसे हो आप सब लोग। मैं जिपाल यादव आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टडी। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूँ, और वो ये है कि हर रोज शाम में 5 बजे हरियाणा पुलिस स्पेशल बैच है जो हमारा, उसकी क्लास को प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अटेंड कीजिएगा। आप लोगों के आने वाले हरियाणा के हर एग्ज़ाम के लिए वो क्लास बेनिफिशियल बहुत ही ज़्यादा है। तो आइएगा आज की क्लास को शुरू करते हैं। कल की क्लास में हमने पोल साइंस में संविधान सभा के बारे में पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में। आज हम उसी सीक्वेंस में आगे चलते हुए दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली या संविधान सभा के आगे के प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइएगा शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली या संविधान सभा की, तो आपको पता है कि कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन कर दिया गया। इसके कुल 389 सदस्य थे, जो बाद में घटकर के 299 रह गए। और जब संविधान बनकर के तैयार हुआ तो उस पर हस्ताक्षर करने के लिए मात्र 284 सदस्य ही उपस्थित थे। कल हमने इन सब के बारे में पढ़ा। तीन चीज़ें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है संविधान सभा की बैठकें, मीटिंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। संविधान सभा की जो फर्स्ट मीटिंग या जो पहली मीटिंग है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। 9 दिसंबर 1946 को ये बैठक सेंट्रल असेंबली, जिसे आज हम हमारी लोकसभा भी कहते हैं, सेंट्रल असेंबली की लाइब्रेरी या पुस्तकालय में और इस बैठक को शुरू किया गया। अगर मैं बात करूं तो मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा की इस पहली बैठक का बहिष्कार किया गया। याद रखिएगा, मुस्लिम लीग रिजेक्टेड इट, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। और मुस्लिम लीग के साथ साथ द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद के जो निज़ाम थे उसने भी इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट। उन्होंने भी संविधान सभा की इस पहली बैठक में आने से मना कर दिया। रीज़न ये था कि मुस्लिम लीग और बेसिकली हैदराबाद भी दोनों ही पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा चाहते थे, जबकि कैबिनेट मिशन ने ऐसा करने से मना कर दिया था। यही रीज़न था कि इन दोनों ने और संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया, रिजेक्ट कर दिया। इसी के साथ जिस दिन संविधान सभा की पहली बैठक शुरू हुई, जितने भी इंडियंस थे उसमें एक्साइटमेंट बहुत ही ज़्यादा थी। पहली बार सदस्य चुन के आए थे, पहली बार उन्हें ये अधिकार मिला था कि वो अपने लिए नए अधिकारों का निर्माण कर सकते हैं। और इसी हड़बड़ी में सब सदस्य आकर सेंट्रल असेंबली में इकट्ठे तो हो गए, लेकिन उन्होंने अपने अध्यक्ष का चुनाव उस समय तक नहीं किया था। उन्हें लगा कि पहली बैठक में क्यों ना अपने अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाए, लेकिन संविधान सभा की पहली बैठक में जिस अध्यक्ष का चुनाव किया गया वो टेम्परेरी चेयरमैन के रूप में चुने गए। वो चुने गए आपके संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष। ये पूछा गया कि जो कुल सदस्य हैं 389, उनमें से सबसे एज्ड या उम्र दराज कौन है, और सबसे उम्र दराज सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का टेम्परेरी चेयरमैन या अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया गया। रीज़न, ये सबसे ज़्यादा ओल्ड एज थे, ये सबसे ज़्यादा संविधान के उम्र दराज सदस्यों में से एक थे। इनका चुनाव कब हुआ, 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग के दौरान। इसके साथ साथ ये भी महसूस किया गया कि किसी एक ऐसे व्यक्ति को जिसे और काफ़ी अच्छी नॉलेज हो कानून या लोग की, उसे क्यों ना संविधान सभा का एडवाइज़र या सलाहकार बनाया जाए। और पहली बैठक के दिन ही बी एन राव को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का संविधान सभा का एडवाइज़र या क्या बना दिया गया, सलाहकार।
और इसी के साथ संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को समाप्त हो जाती है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसके बाद हम आगे चलेंगे। चलेगा। संविधान सभा की दूसरी जो बैठक हुई वो बैठक हुई आपकी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में और चुनाव किया गया संविधान सभा के परमानेंट चेयरमैन का, स्थायी अध्यक्ष का। और संविधान सभा की दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष या परमानेंट चेयरमैन बना दिया गया। जब तक आपकी संविधान सभा रही तब तक राजेंद्र प्रसाद ही संविधान सभा के परमानेंट क्या रहे, चेयरमैन। तो याद रखिएगा, इनको इलेक्ट किया गया कौन सी बैठक के दौरान, सेकंड बैठक के दौरान। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलेगा। अगर मैं बात करूं संविधान सभा की तीसरी बैठक की, तो संविधान सभा की जो तीसरी बैठक की गई वो की गई 13 दिसंबर 1946। देखिएगा, मैं ऑनलाइन क्लास आपकी ले रहा हूँ, इसके पीछे मेरे कुछ ऑब्जेक्टिव या कुछ उद्देश्य हैं जिनकी वजह से मैं ये क्लास ले रहा हूँ। आप मेरी क्लास को लाइव देख रहे होगे या ऑफलाइन इस क्लास को देखोगे, तो उस क्लास को देखने के पीछे भी आपके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं या कुछ उद्देश्य हैं। एग्जाम्स को क्वालिफाई करना है, गवर्नमेंट जॉब पानी है, कुछ भी ऑब्जेक्टिव हैं। अगर ऑब्जेक्टिव ना हो तो इस किसी भी डायरेक्शन में एफर्ट्स लगाने का ही कोई महत्व नहीं है। 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को हिंदी में कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव पास किए पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस का मतलब था कि जब भी हम संविधान को बनाएंगे तब इन सभी उद्देश्यों को हम अपने माइंड में रखेंगे। ऐसा ना हो कि हम इन ऑब्जेक्टिव्स को अपने माइंड में ना रखें और संविधान बनाते समय हम बना कुछ रहे हैं और हम अपने उद्देश्यों से भटक जाए और किसी और ही चीज़ का निर्माण कर दे जिसकी हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पास कर संविधान की आधारशिला रखी। याद रखिएगा, ऑन 13th of December 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू पास ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है। और इसी के साथ उन्होंने संविधान की क्या रख दी, आधारशिला या नींव। तो संविधान की नींव या आधारशिला क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव। रखे किसने रखे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आप यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट लेते हैं फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलेगा। संविधान सभा के अंतर्गत काफी छोटी और काफी बड़ी कमेटियां बनाई गई थी। अगर आपसे कोई ये पूछे कि संविधान सभा के अंतर्गत कुल कितनी कमेटियां थी, तो याद रखिएगा संविधान सभा के अंतर्गत कुल 22 कमेटियां थी। इन कमेटियों में से कुछ कमेटी आपकी मेजर बड़ी कमेटियां थी और कुछ कमेटियां आपकी माइनर या छोटी कमेटियां थी। तो ऐसी छोटी बड़ी कुल मिलाकर के और संविधान सभा के अंतर्गत कितनी कमेटियां बनाई गई थी, 22। इन सभी कमेटियों के अपने अलग अलग उद्देश्य थे और इन सभी कमेटियों के अपने अलग अलग कौन थे, अध्यक्ष। ठीक है, आइएगा। अगर मैं इन 22 कमेटियों की बात करूं तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज के बारे में मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट थी आपकी संचालन समिति का मतलब है आपका स्टीयरिंग कमेटी का मतलब है कि वो कमेटी जिसका ये देखभाल करना था कि क्या
सुचारू रूप से संविधान का निर्माण हो रहा है या नहीं, क्या संविधान सभा का संचालन सही तरीके से किया भी जा रहा है या नहीं, और इस संचालन समिति के जो स्टीयरिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा और भी काफी कमेटियां थी, जैसा कि मैंने बताया कुल कितनी कमेटियां थी आपकी 22। तो इन कमेटियों के बारे में पढ़ते हैं, अगर आप इसको नोट करना चाहो या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। संचालन समिति, इसके अलावा देखिए, इसके अलावा जो समितियां थी वो थी आपकी संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति वो समिति थी जिसके अंदर पूरे का पूरा सेंट्रल का उल्लेख किया था, और संघीय संविधान समिति के जो चेयरमैन थे वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी तरीके से जो एक थी वो थी आपकी प्रांतीय प्रोविंस संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका काम क्या देखना था, इसका काम ये देखना था कि क्या प्रांतों के लिए, क्या प्रोविंसों के लिए, पहले राज्य नहीं होते थे, प्रांत होते थे, क्या प्रांतों के लिए सही तरीके से संविधान का निर्माण किया भी जा रहा है या नहीं। इसके साथ और कमेटियां जो थी उसमें थी संघ शक्ति कमेटी का मतलब था कि ये देखना कि क्या सेंटर के पास शक्तियां ज़्यादा तो नहीं दी गई है या सेंटर के पास शक्तियों को कम तो नहीं कर दिया गया है। इसके भी अध्यक्ष रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा और भी कमेटियां थी, जैसे फंडामेंटल राइट या हिंदी में मौलिक अधिकार समिति का ये था कार्य कि ये देखना कि कहीं संविधान को बनाते हुए और लोगों के मूल अधिकारों का तो कहीं पर हनन नहीं किया जा रहा है। इसके साथ साथ आपकी माइनॉरिटी कमेटी या अल्पसंख्यक समिति भी थी, जिसका काम ये देखना था कि क्या संविधान बनाते समय कहीं माइनॉरिटीज़ या अल्पसंख्यकों के जो अधिकार है उनको तो नहीं दबाया जा रहा है। और इन दोनों ही समितियों के अध्यक्ष रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके साथ और भी काफ़ी समितियां थी, जैसे आपकी झंडा समिति, और झंडा जो समिति थी उसके चेयरमैन रहे हैं जे बी कृपलानी, और इनके साथ सदस्यों के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी रहे हैं। इनका काम भारत के नेशनल फ्लैग या राष्ट्रीय झंडे को तय करना था। तो ऐसी छोटी बड़ी मिलाकर के कुल कितनी समितियां थी, 22। लेकिन इन 22 कमेटियों में से एक सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी थी, और उस कमेटी का नाम था प्रारूप समिति, या इंग्लिश में इसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी। अगर मैं बात करूं ड्राफ्टिंग कमेटी की, तो अगर ये कमेटी नहीं होती तो बाकी की 21 कमेटियों का कोई भी अस्तित्व ही नहीं था। और ये कमेटी इतनी इम्पोर्टेंट थी कि इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि इसके जो अध्यक्ष रहे हैं उन्हीं को भारत के संविधान का क्या कहा जाता है, जनक। ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। चलेगा, देखिएगा, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक प्लॉट है, उस पे काम करने वाले मजदूर हैं मेरे पास, और मेरे पास मटेरियल है, और मैं उनसे एक घर बनवाना चाहता हूँ, तो क्या वो घर बना देंगे? आंसर होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मजदूरों को बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट या एक नक्शा चाहिए जिसके आधार पर वो उस घर का निर्माण करेंगे। सेम इसी तरीके से अगर किसी व्यक्ति ने संविधान का ड्राफ्ट बनाया तो वही खाचा या वही ड्राफ्ट आगे चल करके, ब्लूप्रिंट आगे चल करके और संविधान के रूप में हमारे सामने आया, तो वो काम किया किसने, ड्राफ्टिंग कमेटी ने। अगर ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं होती तो संविधान को बनाने की कल्पना तक नहीं की जा सकती, और अगर ये कमेटी नहीं होती तो वास्तव में बाकी बची हुई 21 कमेटियों का कोई भी अस्तित्व नहीं था। इसीलिए इस कमेटी की इम्पोर्टेंस को देखते हुए ही और इस कमेटी के अध्यक्ष को भारत के संविधान का
जनक भी कहा गया है। ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल 7 मेंबर्स या कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, याद रखिएगा। अगर मैं इन 7 सदस्यों की बात करूं तो इसमें पहले नंबर पे आते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि चेयरमैन थे, जो कि अध्यक्ष थे आपकी कौन सी कमेटी के? ड्राफ्टिंग कमेटी के। मध्य प्रदेश के मऊ में जन्म हुआ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, हम पढ़ेंगे इनके बारे में हिस्ट्री में बहुत ही डिटेल में। आगे चलकर के इन्होंने और बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लिया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बी आर अम्बेडकर ने एक बहुत लंबे समय तक भारत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लड़ाई लड़ी है और आज एससी और एसटी को जो प्रॉफिट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं कहीं ना कहीं उनका क्रेडिट डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को ही जाता है। वो अध्यक्ष थे कौन सी कमेटी के? ड्राफ्टिंग कमेटी के। उनके अलावा इस कमेटी में 6 और सदस्य रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 6 और सदस्य आपके कौन कौन से थे उनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो याद रखिएगा आपको भगवान श्री कृष्ण का नाम जरूर याद रखना है। क्यों? क्योंकि बी आर अम्बेडकर के अलावा जो 6 और सदस्य बच गए उनके नाम में अगर एक नाम छोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं कृष्ण जरूर आता है। देखिएगा इसके जो बाकी सदस्य थे उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट नंबर पे थे एन गोपाला स्वामी आयंगर, एन गोपाला स्वामी आयंगर, इसमें आपका आ गया क्या? गोपाल, ठीक है। श्री कृष्ण को गोपाल के नाम से भी क्या करते थे? जानते थे, ठीक है। अच्छा, थर्ड नंबर पे आपके आएंगे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, इसमें आपके कॉमन क्या आ गए? कृष्णा। आगे चलते हैं, थर्ड नंबर पे आएंगे के एम मुंशी, इसका इनका पूरा नाम कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी था, तो के एम मुंशी के नाम में भी आपका क्या आ गया? कन्हैया, ठीक है। अच्छा, अगले जो मेंबर हैं उनका नाम था मोहम्मद सादुल्ला ही प्रारूप समिति के एक ऐसे सदस्य रहे हैं जिनके नाम में कहीं पर भी कृष्ण के नाम का उल्लेख नहीं है। तो ये एक नाम आपका एक्सेप्शन या अपवाद है जिसमें कृष्ण का नाम का उल्लेख नहीं है। 6 नंबर पे हैं आपके एन माधव राव, एक्चुअली बी एल मित्र इसके सदस्य थे आपके, किसके? प्रारूप समिति के। लेकिन बी एल मित्र की डेथ हो जाती है और उनकी डेथ होने के साथ ही एन माधव राव को प्रारूप समिति में क्या किया जाता है? शामिल। इसके जो आपके 7वें मेंबर थे उनका नाम था टी टी कृष्णामाचारी को भी 1948 में डी पी खेतान की मृत्यु होने के बाद और प्रारूप समिति में क्या किया गया? शामिल किया गया। तो इन सबके नाम में अगर सादुल्ला को छोड़ दिया जाए तो माधव राव, कृष्णा स्वामी, कन्हैया, कृष्णा और गोपाला स्वामी, तो कृष्ण के नाम कॉमन आते हैं। तो ये 7 दल जो थी, ये समिति थी, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है भारत के संविधान में। यही कारण था कि इसके अध्यक्ष को भारत के संविधान का पिता भी कहा जाता है। याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इसे पहुँचाइएगा ताकि इस टाइप की वीडियोज़ और इस टाइप का कंटेंट हर विद्यार्थी के पास पहुँच सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।